आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। बकरा ईद मुबारक आप सभी को। हैप्पी बकरा ईद फ्रॉम द टीम ऑफ द मॉडर्न कुलकर्णीज। ओके, आज का रेसिपी है मटन शामी कबाब। ठीक है, तो मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने लिया है मटन शामी कबाब के लिए। ये है आधा किलो मटन जो कि बोनलेस है, बगैर हड्डी वाला, हड्डी नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ मटन है ये। हाँ, इसको धो के मैंने रखा है, साफ करके धो के। और ये चने की दाल है, इसको मैंने 4 घंटा भिगो के रखा था। और इसका भी पानी मैंने पूरा निकाल लिया। ठीक है, और ये बारीक कटा हुआ प्याज है, एक प्याज है बारीक कटा हुआ। हाँ, और ये धनिया पत्ता है, कोथमीर, और कुछ पुदीना का, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता लिया मैंने। कुछ हरी मिर्ची लिया है, और गरम मसाला, चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, और कुछ 2 टीस्पून, 2 चम्मच मैंने दही लिया है, और 2 अंडे लिए मैंने यहाँ पे। और ये कुछ खड़े गरम मसाला है जो कि मैं मिक्सर में इसको पीसने वाली हूँ। तेजपत्ता है 2-3, सिर्फ इसको मैं तेजपत्ता को नहीं पीसूँगी, इसको सिर्फ मिक्सर कुकर में डालूँगी। ठीक है, ये ऐसे ही अक्खा ही रहेगा। हाँ, और कुछ लवंग लिया है, 5 लवंग लिया, थोड़ा जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का, और खड़ा धनिया लिया है, साबुत धनिया, और कुछ काली मिर्च लिया है मैंने। ये सब पीसने में जाएगा मिक्सर में। और ये मैंने लिया है प्याज, लंबा लंबा सा कटा हुआ, 1 अक्का प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है, ये मिर्च जरा भी तीखी नहीं है। ठीक है, और 1.5 इंच का अदरक लिया है, ये 15 से 16 कली लहसुन का लिया मैंने, और 3 लाल मिर्च लिया है। तो अभी हम इन्ग्रीडियंट स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये मसाला पीसने में जाएगा, तेज पत्ता छोड़ के ये सब मसाला मैं इसको पीसूंगी मिक्सर में सूखा बिना पानी का। ठीक है, फिर इसको सब कुकर में डालेंगे हम लोग। ओके, और ये लगभग 150 ग्राम चने का दाल है इसको। ठीक है, देखो मैंने सब ये मिक्सर में सूखा मसाला मैंने मिक्सर में डाल दिया, अभी मैं इसको पीसने वाली हूँ। ठीक है, सूखा पीसूंगी बगैर पानी का, तेज पत्ता मैं नहीं पीसूंगी, सिर्फ कुकर में डालूंगी। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने ये मसाला पीस लिया है। ठीक है, ये देखो, ज़्यादा ऐसा बारीक भी नहीं करना है, 3-4 बार मिक्सर ऐसा घुमा, ये करेंगे ना बटन घुमाएंगे तो ऐसा गड़गड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा उसको भूखी भी मत बना। ठीक है, अभी मैं इसमें मटन डालूंगी। ओके, ये सब मटन इसमें डालती हूँ मैं। ठीक है, फिर नमक डालूंगी इसमें। नमक मैंने 1 छोटा टीस्पून लिया है मैंने। ठीक है, एक बार बॉईल करेंगे उबालने के बाद, फिर उसको अगर नमक कम रहेगा तो वापस डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल मैंने इतना ही डाल दिया, 1 छोटा टीस्पून डाला। उसके बाद मैं मिर्ची जो है हरा मिर्ची, उसको
दो से तीन टुकड़ा करके डालूंगी, क्योंकि तो एक बार उबल जाएगा ना तो पूरा ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, खीमा जैसा हो जाएगा। ये प्याज डाल रही हूँ, एक प्याज लंबा लंबा काटा हुआ, ठीक है। फिर ये लाल मिर्च डाल रही हूँ, सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च कोई भी डाल सकते हैं, अगर आपको कश्मीर चिली, कश्मीरी चिली चाहिए तो कश्मीरी डाल सकते हैं, पेट की दर्द कोई भी डाल सकते हैं। और ये अदरक डाल रही हूँ लंबा पिसा हुआ, सॉरी चॉप किया हुआ, ठीक है, लंबा काटा हुआ अदरक। ये लहसुन, और ये तेज पत्ता डाल रही हूँ उसमें, ठीक है। ये एक बार उबल जाएगा ना मटन, ये तेज पत्ता हम लोग निकाल देंगे। और इसमें जो हमने पिसा हुआ जो खड़ा मसाला था वो डाल रही इसमें। ये मसाला, खड़ा मसाला जो पीस के डालेंगे ना तो अच्छा है, नहीं तो क्या होएगा मालूम है, जब जब उबल जाएगा ना मटन कुकर में, फिर हम लोग उसको मिक्सर में पीसेंगे तो बराबर टुकड़ा उसका जो मसाला है ना, खड़ा मसाला मुंह में आएगा खाते वक्त, तो इसके लिए उसको पीस के ही डालेगा तो वही अच्छा अच्छा लग रहा है वैसा पीस के डालने के बाद, ठीक है। इसका खड़ा मसाला का खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग ये ट्राई कीजिए, ये रेसिपी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मैरिनेट। अगर आपको चाहिए तो ये आप 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ सकते हैं मसाला लगाने के बाद, हाँ। तो और ये मैं अभी चने की दाल डाल रही हूँ, जो भिगो के रखा था ना मैंने 4 घंटे के लिए, उसका पूरा पानी निकाल दिया मैंने, तो वो भी इसमें ही डालूंगी। और फिर ये सब हम भी हम कुकर में डाल देंगे, 15-20 मिनट के रुकते हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा उसका जो मसाला है जो मटन में उसका स्वाद उतरेगा ना तो अच्छा लगेगा, और भी इसके लिए 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते। देखो 20 मिनट हो गया, मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था, हाँ। अभी इसको मैं कुकर में डाल के इसको सीटी, इसका 8 सीटी लगभग निकालूंगी, पहला जो रहेगा 8 से 9 सीटी निकालूंगी मैं, क्योंकि मटन अच्छे से गलना चाहिए ना इसके लिए, और दाल भी। तो पहला सीटी जो आने से पहले फास्ट गैस रखूंगी, उसके बाद बाकी के 7 से 8 सीटी स्लो गैस पे ही रखूंगी, ठीक है। ये देखिए मैं कुकर में डाल रही हूँ सब, ठीक है। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, इतना 2 ग्लास पानी डालूंगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करते, ठीक है, और फिर इसको गैस पे रख देते। मेरा ग्लास का माप ये है, देखो ऐसा मैंने 2 ग्लास डाला है, ठीक है। आप आपके पास भी ये साइज का ऐसा कुछ ग्लास होगा तो उसमें डाल दीजिए। देखिए मटन अच्छे से पक गया है, गल भी गया अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या किया, 10 सीटी निकाला है, क्योंकि 12 सीटी निकाला मैंने, पहले 8 सीटी निकाला था मैंने, कि उसके बाद देखा कि मटन गला नहीं था, तो इसके लिए इसको वापस मैंने और 4 सीटी किया, और उसको अच्छे से भी ऐसा घोटने का, ठीक है, उसको घोटने का, उसको पानी पूरा सुखा देने का। पूरा पानी इसका सुखा देने के, और मटन का टुकड़ा है ना छोटा छोटा ही रखो, यानी बोटी है ना मटन का बोटी, उसको ज़्यादा बड़ा मत रख दीजिए, उसको छोटा ही रखना, क्योंकि क्या है पकने में आसान जल्दी से, नहीं तो ऐसा होगा दाल पक जाएगा और मटन नहीं पकेगा ऐसे। और इस बार मैंने मेरा ये शमी कबाब का ब्लॉग जो है हिंदी में बनाया, क्योंकि मेरा हमेशा मैं इंग्लिश में मेरे ब्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोलने लगे कि एक बार तो भी हिंदी में आपका ब्लॉग बनाइए, तो इसके लिए मैंने हिंदी में इस बार ब्लॉग बनाया। कमेंट करके बताइए मेरा ब्लॉग कैसा था हिंदी में, या मैं हमेशा इंग्लिश में ही बनाना चाहिए करके, ठीक है। और इसका भी अच्छे से पानी सुखाना है, ठीक है, अच्छे से इसको घोटने का, देखो ऐसा घोटते जाने का, गैस स्लो है एकदम, हाँ।
फिर ये पूरा हो जाए, इसका पानी अच्छे से सूख गया ना, ये अच्छे से ये हो जाएगा ना, गाढ़ा हो जाए एकदम गाढ़ा, फिर गैस बंद करके इसको ठंडा करने का, ठीक है। अब मटन भी अच्छे से गल गया है, मटन गल गया, दाल गल गया, क्योंकि पहले मैंने 8 सीटी निकाला था तो मटन जरा भी गला नहीं था, तो इसके लिए फिर मैंने और 4 सीटी निकाला, अच्छे से इसको गला दिया। अभी बस इसको और एक 2-4 मिनट में इसको अच्छे से ये करूँगी, इसका पानी पूरा गला दूंगी, पूरा पानी सा एक बार गल गया ना फिर कबाब बनाने में आसान होगा, ठीक है। ये शामी कबाब का बैटर तैयार हो गया, इसको मैंने पूरा गला दिया था ना मिक्सर में कुकर में, उसके बाद पानी उसका पूरा ये करके सुखा के उसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्सर में मैंने उसको ऐसे ही गड़गड़ा पीस लिया है, ठीक है। इसको ये पूरा बैटर अभी ठंडा होने दो और आधा घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अगर फ्रिज नहीं रहेगा तो ऐसे ही बाहर भी आप ऐसे ही छोड़ोगे तो चलेगा, अच्छे से ये ठंडा हो जाने दो फिर उसके बाद हम शमी कबाब बना लेंगे इसका, ठीक है। देखिए इसको मैंने 1 घंटा रखा था फ्रिज में, अच्छे से ठंडा हो गया पूरा, ठीक है, और अच्छे से बैठ भी गए, देखो अच्छे से दोनों इसका फॉर्म हो गया अच्छे से ऐसा, देखिए ऐसा करो, तो इसको अच्छे से ठंडा करना ही जरूरी है, ठीक है। फ्रिज में रखो, बहुत अच्छे से जम जाएगा ये। और मैंने ये जैसा बॉईल हो गया था ना कुकर में, फिर उसको पूरा घोट के फिर उसको मैंने मिक्सर में उसको ये किया था, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा 1 सेकंड के लिए ऐसा मिक्सर में डाल दिया था, ठीक है। अभी मैं इसमें मैं प्याज डालूंगी, ठीक है, ये प्याज में डालती हूँ, बारीक कटा हुआ प्याज है, एक ही प्याज है ये, हाँ। मिर्ची डाल रही हूँ, ये 2 मिर्ची है कटा हुआ, ये ज्यादा तीखा नहीं है, लेकिन आपको बच्चा है घर में ऐसा कुछ तो आप 1 मिर्ची डाल सकते हैं, या तो नहीं भी डालेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है ना इसके लिए, ठीक है। तो मैंने 2 मिर्ची काट के डाल रही हूँ, आप एक भी डाल सकते हो, वैसे थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ, पुदीना बारीक कटा हुआ पुदीना, ठीक है, कटा हुआ धनिया, धनिया का पत्ता यानी हाँ कोथमीर, इसमें मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, हाँ इसका पानी मत डालो, सिर्फ दही डालो ऐसा ऊपर ऊपर से, ज्यादा मत डालो, थोड़ा सा ही डालो, आपको अगर दही नहीं चाहिए तो नहीं डालेगा तो भी चलेगा, नींबू का रस भी डाल सकते हैं, दही से क्या टेक्सचर अच्छा आता है उसका ना, इसके थोड़ा सा दही डाल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं डाली हूँ, गरम मसाला 1 टीस्पून, ठीक है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा कम, एकदम सा, और इसमें अंडा डालूंगी, ठीक है, 2 अंडा डाल दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं ये पूरा बैटर मिक्स करूंगी, ठीक है,
तो इसको स्पून से तो नहीं कर सकते, चमचा तो नहीं, हाथ से ही करना पड़ेगा। पूरा हाथ से इसके साथ पूरा बैटर को मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली पूरा बैटर तैयार हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने और नमक ऐड किया उसमें। हाँ, तो आप आपका स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए। अभी मैं इसका शमी कबाब बनाने को लेती हूँ, फ्राई उसमें फ्राइंग पैन में फ्राई करूँगी, ठीक है। अभी थोड़ा मैं इस पर तेल डालूंगी फ्राइंग पैन पे, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये तो दाल भी पक गया है, मटन भी उसका पक गया है, ठीक है। थोड़ा सा तेल डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, यानी ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। और उसको फिर ऐसा फैला देंगे। आपके पास अगर फ्राइंग पैन नहीं होगा तो आप तवे पे भी ले सकते हो, ठीक है, तवे पे भी आप फ्राई कर सकते हो। तो ये तेल अच्छे से अभी गर्म होने दो, तब तक मैं इसका कबाब बना लेती हूँ। पहले आपको हाथ हाथ पे आपको अच्छे से तेल लगाना है, ठीक है। तेल लगा के फिर आपको इसका गैस थोड़ा सा फास्ट रखती हूँ, जैसा गर्म हो गया तवा, फ्राइंग पैन जैसा गर्म होगा तो फिर मैं उसको गैस स्लो करूँगी। साइज आपको जैसा चाहिए आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक टाइम आपको हाथ से तेल लगाना ही है, ठीक है। अगर आपको अलग शेप भी बनाना है तो बना सकते हैं ऐसा, अगर आपको गोल ऐसा शेप नहीं चाहिए रहेगा तो आप उसका शेप भी बना सकते हैं अलग से। आप जितना चाहिए अभी फिलहाल बना सकते हैं, और बाकी का फिर आप ऐसे ही बैटर उठा के फ्रिज में रख सकते हैं, यानी कल के लिए भी आपको बनाने का रहेगा, या कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर पे, मेहमान आ रहे हैं, तो ये एक दिन पहले ही आप बैटर बना के रख सकते हैं, ठीक है, और फिर दूसरा दिन फ्राई कर सकते हैं जैसा। बारी धीमी अभी भी आंच पे इसको अच्छे से ऐसा पका लेना है, ठीक है। अच्छे से इसको थोड़ा सा भारी यानी एकदम धीमी आंच रखना है, फास्ट नहीं रखना है गैस को, ठीक है। और अच्छे से इसको पकाना है, अच्छे से इसका ब्राउन ऐसा कलर आ जाना चाहिए, ब्राउन कलर। वैसे तो सब अंदर से तो पका हुआ ही है, मटन मिटन सब तो पक गया, दाल भी सब पका है, सिर्फ इसको कलर थोड़ा आ गया ना फिर इसको गैस से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए, थोड़ा सा फ्राई करते हो ना अच्छे से इसको, इसको तो नहीं अच्छे से थोड़ा सा कलर आएगा ना तो टेस्ट भी अच्छी लगेगी इसका। आपको थोड़ा मैं डिफरेंट स्टाइल का भी दिखाती हूँ, अगर आपको ऐसा अलग शेप देना है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप ऐसा स्पून पे लीजिए, फिर इसको ऐसा कीजिए वापस वापस ऐसा, ठीक है, वापस ऐसा करते ही जाइए, तो जब इसका शेप अच्छे से आएगा ना तो अलग टाइप का, तो मैं बोला कि हमेशा गोल शेप देने के बदले थोड़ा सा मैं शेप इसका चेंज करती हूँ। ठीक है, देखो ये भी हो रहा है, फ्राई हो रहा है अभी, इसको थोड़ा सा ऐसा टर्न करने का दिए से, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगते हैं ये शेप के लिए, क्योंकि उसको अंदर से भी थोड़ा सा ये होना है ना, फ्राई होना है इसके लिए। तो ये हो गया, देखिए
रखूँगी। तो दो अलग शेप का मैंने बनाया, एक गोल शेप में और एक इसको ये दूसरा शेप है इसका क्रॉकेट शेप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको फ्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाते हैं। सी थोड़ा सा उसको ना अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन कलर उसको आ गया तो वो तैयार हो गए, ठीक है। गैस बंद कर देती हूँ मैं, बाकी का बैटर मैं कल बना लूँगी क्योंकि जितना भी मुझे चाहिए था मैंने उतना बना लिया। तो ये आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हो और दूसरा दिन भी आप बना सकते हो, आपका कोई घर में गेस्ट भी आ रहा है तो बना के तैयार रख सकते हैं ना, बना के तैयार रख सकते हो और फिर तभी गरम गरम फ्राई करके ये कर सकते हैं, परोस सकते हैं। फाइनली मटन शमी कबाब तैयार हो गया, ठीक है। तो आप भी ये ट्राई कीजिए रेसिपी और बताइए कैसा बना, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैप्पी बकरा ईद वंस अगेन, बाय, टेक केयर।